अच्छा क्वेश्चन ही क्या कैसे हैं आप लोग? ठीक है, थोड़ा हल्का ठीक कर लो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज भी आप लोगों को पता है, आज आर्ट्स का इंग्लिश का एग्जाम था आज, तो आज भी मेरे द्वारा दिए गए सभी क्वेश्चंस आप लोगों को ए टू जेड आए हैं। चलिए आप शुरू करते हैं और इसको क्वेश्चन को देखते हैं, तो एक बार ठीक कर लीजिए। कैसे हैं बच्चों, एक बार कमेंट करिए कैसे हैं आप लोग। ओके ठीक है, ओके आपको पहले सही से सेटिंग कर लीजिए। गुड इवनिंग फिरदोश, कैसे हैं, कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा है, अभी मैं चेक करूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा कैसा, कितना आंसर आपका बन रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है चलिए, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये आर्ट्स के इंग्लिश का आप लोगों का मैं आंसर की करवाने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम मोनू सर, संतोष इंग्लिश क्लासेस, और यूट्यूब पे कहा जाए तो बीएसईबी इंग्लिश हब के नाम से मेरा चैनल। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, आज आप लोगों का इंग्लिश का आर्ट्स का एग्जाम था, तो उसी का मैं आप लोगों को आंसर की कराने जा रहा हूँ। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चेक करिएगा आप लोग। ये आपका सेट जी का है, याद रखिएगा सेट जी का ये आपका है। पहला क्वेश्चन कहता है, ही डैश रॉब्ड एज ही वॉज वॉकिंग आउट ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, रॉब्ड भीटू दिया हुआ है, भीटू दिया सॉरी भीतरी दिया हुआ है, तो आपको क्या हो जाएगा, ही हैड रॉब्ड, हैड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको हैड। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, द फायरमैन डैश द फायर। तो आपको पता है कि बुझाना, यानी कि फायरमैन क्या करे, आग को बुझाएगा, तो पुट आउट होता है, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या आता है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, पॉपुलरिटी जो है वो आपका ये बी आंसर इसका हो जाएगा। ये देखिए पॉपी है, पॉपी, पॉपुलरिटी नहीं होता है, पूपो नहीं होता है, और ना ही पीपू होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर
फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, कहता है सी सेड टू मोती डोंट मूव, इसको कह रहा है क्या कह रहा है आपको, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू मोती डोंट मूव, डोंट मूव यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, तो आपको पता होगा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ऑर्डर या कमांड वाला, तो आप देखते हैं इसमें क्या इसका आंसर होगा। ऑर्डर या कमांड है लेकिन इसमें ऑर्डर या कमांड कहीं दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको टोल्ड लेके चलेंगे। सी टोल्ड मोती नॉट टू मूव, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। क्वेश्चन नंबर फाइव का देखिएगा, फाइव का कहता है सोहन्स मैंगो इज द डैश ऑफ ऑल, सोहन का मैंगो जो है यहाँ देखिए द लग गया, द लग गया तो आपको पता है क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव लग जाएगा, इसलिए स्वीटेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, द स्टूडेंट हैव गॉन टू डैश स्कूल, आपको पता है आर्टिकल भरने के लिए स्कूल कहता है द स्टूडेंट्स, यानी क्या कह रहा है, विद्यार्थी हैव गॉन जा चुके हैं, कहाँ गए, स्कूल जा चुके हैं, तो अब यहाँ पे विद्यार्थी यहाँ पे क्या ए लगेगा या द लगेगा, यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा क्या लें, स्कूल के लिए तो हम नॉर्मली ए लेंगे, क्या लेंगे, ए लेंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोई जो स्कूल गया होगा विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ कुछ विद्यार्थियों को निश्चित किया है तो कोई पार्टिकुलर स्कूल गया होगा, इसलिए यहाँ पे द हो जाएगा, द स्कूल, क्या हो जाएगा, द स्कूल, इसलिए इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस इसमें कौन सा है, आई नीड गुड स्लीप, ये देखिए नीड के बाद चाहिए हमको V1, या फिर आपको क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यहाँ पे चलिए मेन वर्ब के रूप में है तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, गलत है, आई नीडिंग होता नहीं, आई नीड टू स्लीप वेल, या फिर आई नीड टू स्लेप, टू के साथ कभी V1 यानी V3 नहीं आता, V1 आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर एट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है, प्लीज डैश मी अलोन, आप लोगों को बताया था मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस का जो है वर्ब V1 होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, V1, प्लीज लीव मी अलोन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लीव। क्वेश्चन नंबर 9, दे डैश हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ, मैंने कहा बच्चों आप लोगों को मैंने बहुतों बार कहा है कि मेरा क्लास मैंने जो भी पढ़ाया बच्चों उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन ना कल के इंटर और क्या कहते हैं साइंस और जो कॉमर्स का इंग्लिश था उसमें आया और ना ही इसमें, 100 out of 100 मेरा सजेशन और साथ ही साथ जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो आपको लगा है एकदम पूरा एकदम 100 out of 100 सजेशन मैंने दिए, तो आपको सारा क्वेश्चन आ रहा है, क्या कहता है, दे डैश हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ, तो दे के साथ हम क्या कहें क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आपको पता है यहाँ यदि विल होता तो विल हो सकता था आंसर, लेकिन दे के साथ कभी सेल नहीं आता, डिड हम यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि हैव लगा हुआ है और क्योंकि हैड होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, मस्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि हम हैड लेते हैं तो V3 लेना होता हमको, तब हैड यूज करते, तो ये गलत है आपका, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द मिस स्पेल्ड इसमें कौन सा इसमें मिस स्पेलिंग किसका गलती है, तो वो गवर्नमेंट का गलती है क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेलिंग ऐसा होता है, देखिए इसमें एन जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, इस कारण से आपका आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कहता है डिसिप्लिन इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, इसमें सही तो केवल यही तो है और ये डिसिप्लिन का तीन का तीनों गलत है, अब ये क्वेश्चन गलती दिया हुआ है कि इसमें होता है यहाँ पे करेक्ट चुनने के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन यही तो सही है, बाद बाकी सब स्पेलिंग ही गलती है, इसलिए इसका आंसर आपको क्योंकि ये क्वेश्चन में गलती किया है तो इसका आंसर आपको यही लेना चाहिए, उसे है ये सही, यहाँ क्वेश्चन गलती है, क्या है, क्वेश्चन ही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या कहता है, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज, अब जो एक व्यक्ति के द्वारा कोई गवर्नमेंट चलाया जाता है, एक व्यक्ति का शासन होता है, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं, याद रखिएगा, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। कहता है कमलेश इज अफ्रेड, और जानते हैं हम लोग, आपको मैंने पढ़ाया भी, अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, तो ऑफ है कहीं, तो देखिए ऑफ है, अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्रिमिनल्स, देखिए यहाँ पे क्रिमिनल्स है यानी एक से अधिक है, डैश नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल, तो क्या कहता है, क्या हैज लगेगा, क्या हैव लगेगा,
या नो हैज या डिड हैज, ये दोनों तो कभी नहीं होगा, ना ही हैज होगा, क्योंकि क्रिमिनल से एक से अधिक है तो हैव लग जाएगा, और यहाँ पे वी वन का यूज हम करेंगे। क्रिमिनल्स हैव नो सिंपैथी, उसके पास कोई सिंपैथी नहीं होता। फिर क्या आता है, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, इसको कह रहा है एक्टिव में बताने, तो हर का हम जानते हैं क्या बनेगा, सी, यहाँ वॉज लगा है तो राइट का भी ट्रू रोट हो जाएगा, सी रोट द लेटर, ये इसका आंसर होगा। देखिए कहाँ पे है ये, सी रोट द लेटर कहाँ पे है, सी रोट द लेटर, देखिए ए ही ए नंबर में ही है, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए क्या कहता है, गजेंद्रस फादर आस्क्ड डैश टू रिपे द लोन इन टाइम, अब कहता है गजेंद्र के पिताजी पूछ रहे हैं, किससे पूछेंगे, अपना बेटा से ही ना पूछेंगे क्या, वो किसी और से ही तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट चाहिए, समवन, किसी और से तो नहीं पूछेंगे, नो एनीवन, किसी से नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे उसी से, उस अपने बेटे यानी हिम से, यानी क्या गजेंद्र फादर आस्क्ड हिम, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। ये है आपको केस से आपको पढ़ाया गया जो प्रोनाउन उससे या पर्सनल प्रोनाउन से। फिर कहता है यू डैश क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाएगा तभी रोड क्रॉस करना है, तो आपको ये यहाँ पे क्या करता है, ये करता है आपको बताता है ड्यूटी, आपका कर्तव्य को बताता है, यहाँ पे कह सकते हो ये नॉर्मली आपको यहाँ पे क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, यानी यदि शुड रहता शुड भी हो सकता था, लेकिन मस्ट यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा। फिर क्या आता है 18, व्हेनेवर डैश इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन डू लेट मी नो, कहता है जब भी, व्हेनेवर यू आर, क्या हो जाएगा, यू आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कहीं योर होगा, कभी नहीं, योर के साथ आपको कोई ना कोई नाउन चाहिए, यहाँ नाउन यू के बाद आपको को जानते हैं यू यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यू के बाद कोई ना कोई आपको वर्ब चाहिए, वर्ब है नहीं, और योर्स तो जानते हैं कि वाक्य के अंत में होता है, यहाँ पे देखिए यू आर हो रहा था, ये यू आर परफेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड डैश द आर्मी, द गवर्नमेंट हैज कॉल अपॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपॉन, ये सही है, कॉल अपॉन होता है, अपॉन द आर्मी, इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉल के साथ प्रीपोजिशन एन अपॉन लगता है। फिर कहता है 20, टू होल्ड वन्स टंग, किसी के जीव को पकड़ लेना, ये अर्थ नहीं है, अब कोई बोल रहा है उसने बीच में जाके इंटरफेयर कर दिए, तो वो क्या हुआ, बोलते बोलते रुक जाता है, तो उसको क्या हो जाएगा, इंटरफेयर करना, टू इंटरफेयर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू इंटरफेयर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है, चूज द ओड वन आउट, इसमें से अलग कौन सा है, तो शर्ट है कि स्कर्ट है कि फ्रॉक है कि क्लॉथ है, देखिए ये सब के सब पहनने वाले है ना, लेकिन क्लॉथ में ये तीनों जो है क्लॉथ में ही आ जाता है, तो यहाँ पे ये आपको मतलब कह सकते हैं कि क्लॉथ जो है इन ये तीनों का एक संग्रह हो गया, तो आपको यहाँ पे क्लॉथ कॉमन नाउन होता है, हम जानते भी हैं क्लॉथ क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर होगा यही तीन चार में से यही जो है सबसे अलग है, इसका आंसर आपको क्लॉथ हो जाएगा। फिर क्या आता है, आई हैव फ्रेंड्स डैश लव मी अलॉट, आई हैव फ्रेंड्स डैश, अब कहता है कि ये किसके लिए आपको यूज करना, फ्रेंड्स के लिए, क्या हु होगा, विच नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, हुज भी नहीं होगा, हुज के बाद चाहिए आपको कोई ना कोई प्रोनाउन या कोई ना कोई नाउन चाहिए, होम का प्रयोग हो सकता है, लेकिन होम के बाद जस्ट हमको कोई ना कोई आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन हु इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कहता है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ कैच, कैच मतलब पकड़ना, पकड़ना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ग्रैब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रैब, ग्रैब मतलब चपटना पकड़ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल है, यहाँ पे क्या है, अराइवल, अराइवल मतलब होता है आना, किसी जगह से आना, यानी पहुंचना जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका अपोजिट, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, अपोजिट क्या हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, डिपार्चर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली इसमें कौन है, प्रॉपर्टी का स्पेलिंग आप लोगों को बताया भी गया है, प्रॉपर्टी, देखिए पी आर ओ पी ई आर टी वाई, प्रॉपर्टी, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 26 देयर इज नो डैश रूल अबाउट गुड फूड, देयर इज नो डैश रूल अबाउट गुड फूड, क्या हार्ड एंड फास्ट होगा,
सो फार एज होगा या बाउंड फॉर होगा या ब्रश अप होगा? इसका आंसर क्या होगा? देयर इज नो डैश रूल, हार्ड एंड फास्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपको हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट गुड फूड। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आई हैव वेटेड फॉर डैश आवर। अब यहाँ पे आवर लगा हुआ है, इसको हम लोग उच्चारण में आ पढ़ते हैं, और आ क्या है? वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है, तो इसके पहले एन लग जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है देखिए, कहता है द बेबी इज स्टिल क्राइंग। अब यहाँ देखो क्या लगा, इज लगा हुआ है, और क्वेश्चन टैग में हमको पता है इजंट होता है, इजंट है कहीं लिखा हुआ, इजंट, देखिए इज है, ही है, नॉट है, इजंट ही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इजंट ही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ हॉटी। हॉटी का एंटोनिम्स क्या होगा? हॉटी का एंटोनिम्स उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा आपको हॉटी, हॉटी। एक मिनट रुक जाइए, 29 का रहने दीजिए, इसको एक बार देखना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूँ आपको। तब तक 30 पे चलते हैं हम लोग, इसको मैं बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। हॉटी का एंटोनिम्स क्या होगा मैं जस्ट बता रहा हूँ। कहते हैं 30 नंबर, द माय सन इज डैश इन मैनेजिंग थिंग्स। कहता है माय सन इज डैश मैनेजिंग थिंग्स, क्या होगा? अडेप्ट होगा, अडेप्ट होगा, या एडिप्ट होगा, या अडॉप्ट होगा, या अडॉप्टेड होगा। आपको यहाँ देखिए इज लगा हुआ और इज के साथ V3 का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अडॉप्टेड। क्या हो जाएगा? अडॉप्टेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वॉइस में V3 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आई कैन हेल्प यू डैश यू स्टिक टू योर वर्ड्स। तो आई कैन हेल्प यू इफ यू, कहता मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यदि यदि आप जो है अपने शब्दों पर कायम रहे तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, इफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राधा इज वेरी डैश, राधा इज वेरी, टॉकी नहीं होगा, टॉक नहीं होगा, टॉकिंग नहीं है, टॉकेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राधा बहुत ही बातूनी लड़की है, कहते हैं टॉकेटिव। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द ओड वन आउट। इसमें से चार में से एक कौन ऐसा है जो अलग है? तो जैकेट हम पहनते हैं, शूज भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, और कोट भी। तो देखिए शर्ट और कोट और जैकेट ये सब हम लोग ऊपर वाले पार्ट पे, यानी कि हम अपने कह सकते हैं कि कह सकते हो तुम लोग शोल्डर वाले पार्ट में पहनते हैं या ऊपर में पहनते हैं, लेकिन शूज जो है हम लोग लेग में पहनते हैं, यानी कि नीचे वाले पार्ट, यानी अपने फुट में पहनते हैं, पैर में। इसलिए इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। 34 में देखिए कहता है जितेंद्र वर्क्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। अब इसमें भी कहता है आपको क्वेश्चन टैग भरने, तो वर्क्स यहाँ पे लगा हुआ है, वर्क्स इसका मतलब हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है, डू या डज प्लस नॉट ये रहेगा। अब यहाँ पे जितेंद्र है तो इसके अनुसार आपको क्या आ जाएगा? डजंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डजंट हो जाएगा। यदि ही लिया है तो जितेंद्र के लिए ही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आपको? बी इसका आंसर होगा। पता नहीं ये किसका क्वेश्चन है कि इतना ज्यादा गलती लिखा है अभी, मतलब क्वेश्चन हम लोग के पास था नहीं, तो बगल से कोई बच्चा जा रहा था तो उसका क्वेश्चन लेके फोटो खींच के बनाए हैं। ठीक है, देखिए 35 में, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर। देखिए ये क्लास में करवाया गया है, एट द 11th आवर यानी कि अंतिम समय में, तो एट द लास्ट मोमेंट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट द लास्ट मोमेंट इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सुनीता डिक्लेयर डेट सी वॉज डैश लास्ट नाइट। देखिए लास्ट नाइट लगा हुआ है, तो लास्ट नाइट लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। V2 किसमें है? रॉब्ड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आई हैव टू बाय एन डैश ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो लॉर्ड गणेशा का कोई मूर्ति खरीदेगा, तो मूर्ति आइडल होता है, आइडल ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, आइडल मतलब मूर्ति। क्या हो जाएगा? आइडल मतलब मूर्ति। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या कहता है? आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, आई एम कॉन्फिडेंट एट विनिंग, उसके बाद आई एम कॉन्फिडेंट इन विनिंग। इसका क्या इसका आंसर होगा? आई एम कॉन्फिडेंट एट, आई एम कॉन्फिडेंट एट विनिंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा।
यू डैश टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट, डैश लगाओ क्या नीड, तुम्हें मेरी माँ को मेरे रिजल्ट के बताना जरूरी, मतलब क्या जरूरत का अर्थ देता है नीड, ये नीड यहाँ पे नहीं होगा, डेयर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होगा, वॉजंट भी नहीं होगा, यू वॉजंट यू के साथ वॉजंट लगेगा नहीं, मस्ट नॉट, यानी कि तुम्हें मेरी माँ को रिजल्ट परिणाम नहीं बताने चाहिए, इसका आंसर मस्ट नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, द मैन केम डैश मी, द मैन केम टू मी, द मैन कम टू मी, वह आदमी मेरे पास आया, इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। 41, माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी ए डैश, टोल्ड मी ए लगा हुआ है, यदि ए नहीं लगा होता तो स्टोरी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे टेल हो जाएगा, टेल मतलब भी होता है कहानी, क्या होता है कहानी हो जाएगा, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, वी आर डैश नेक्स्ट वीक, देखो नेक्स्ट वीक लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि आगे आने वाला समय, फ्यूचर में चला गया, तो ना मूव होगा ना मूविंग होगा ना मूव होगा, इसका आंसर बी सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा। 43 में देखिएगा, ही वेंट देयर डैश आस्क्ड फॉर हेल्प, ही वेंट देयर एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, वो वहां गया और मदद के लिए पुकारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, डैश इज अ गुड एक्सरसाइज वॉकिंग, ये तो क्लास में भी पढ़ाया गया, सेम सेंटेंस, मतलब सेम सेंटेंस पढ़ाया गया तो सब कुछ है, सेम सेंटेंस दिया गया था आपको, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। फिर क्या आता है, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, अब यहाँ पे क्या इटसेल्फ होगा, क्या हरसेल्फ होगा कि हिमसेल्फ होगा, अब यहाँ पे आपको, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपको योरसेल्फ, फिर किसका मदद करिएगा आप, खुद का ना, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, कृपया आप अपने आप का मदद करें, यानी खुद का मदद करो, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सुनीता इज रिच इनफ शी कैन बाय एन एक्सपेंसिव कार, सुनीता बहुत, सुनीता जो है पर्याप्त मात्रा में वो क्या है अमीर है, वो जो है एक्सपेंसिव कार खरीद सकती है। अब इस सेंटेंस को हम लोग जोड़ेंगे कंबाइन करने के लिए, कहता है सुनीता इज इनफ रिच टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, सुनीता इज रिच इनफ टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, एन एक्सपेंसिव कार ये नहीं होगा, बाउट नहीं होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी, सुनीता इज रिच इनफ टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, 47 क्या कहता है, ही डैश वेरी पोलाइटली विद मी, ही डैश वेरी पोलाइटली विद मी, क्या डीलिंग होगा, क्या डील होगा, कि टू डील होगा या डेल्ट होगा, डेल्ट नहीं होगा, ही के साथ टू डील नहीं होगा, he deals, अब देखिए he dealing भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब यहाँ पे ऑप्शन ही गलती दिया हुआ, डील का आंसर आपको यही लेना है, यहाँ डील्स रहता तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि ही के साथ भी फाइव आता है, भी वन नहीं आता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, जिस कारण से आपको यही आंसर कैरी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 48, देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, वंडरफुल के साथ आपको एट लगता है, क्या लगता है, wonderful at him, there is something wonderful about him, या at him, wonderful, हाँ at लगता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा at हो जाएगा, wonderful at him, clear है यहाँ तक। फिर क्या आता है 49, try to come dash an hour before, यहाँ पे क्या होगा dash, यहाँ पे an hour before, an है कहीं तो लगा दो, कहता है एक घंटा पहले आने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या था, आई डैश मिस्टर सिंह एट 9 PM लास्ट नाइट, देखो यहाँ पे क्या है लास्ट नाइट लगा है, लास्ट नाइट है तो पास्ट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा कॉल्ड, यानी कि पिछली रात का बात है तो कॉल्ड हो जाएगा, इसका आंसर सीधा बात है पास्ट में चला जाएगा। ये सब चीज मैंने आप लोगों को लाइव में भी करवाया था परसों, आप लोगों को एक दो दिन पहले जो है मैंने लाइव में करवाया था कि लास्ट नाइट आएगा नेक्स्ट वीक आएगा तो क्या करना है कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, अच्छा यहाँ ही डेयर्स है, ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट, ये तो सेंटेंस ही गलत है, ही डज नॉट डेयर गो, ये भी गलत है, इसका आंसर होगा ही डेयर नॉट गो देयर, इसका आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि डेयर यहाँ पे क्या कहते हैं आपको मॉडल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे गो भी वन कैरी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, आई डैश बी हैप्पी टू मीट यू,
आई आई क्या कहता है, आई डैश बी हैप्पी टू मीट यू, आई कैन बी ना, आई मस्ट बी, आई नीड बी, आई हैव बी, ये दोनों तो नहीं होगा। आई मस्ट बी हैप्पी टू मीट यू, इसका क्या हो जाएगा, आई मस्ट बी हैप्पी टू मीट यू। इसका मस्ट से ज्यादा बेटर आंसर कैन हो जाएगा, इसका हो जाएगा आई कैन बी हैप्पी टू मीट यू, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, दे डैश द ब्रिज, द ब्रिज है, इसका क्या हो जाएगा, ब्लून ब्लू अप हो जाएगा, ब्लू अप हो जाएगा, इसका आंसर ब्लू अप हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्लू अप हो जाएगा, ब्लू अप मतलब ब्लू अप हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू अप, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, वी डोंट हैव डैश फ्रूट जूस, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, फ्रूट जूस, वी डोंट हैव, अब यहाँ पे क्या मैनी तो नहीं होगा क्योंकि जूस का बात कर रहा है, लॉट्स भी नहीं होगा, मोर या मच, वी डोंट हैव मच या मोर, इसका आंसर मोर ज्यादा बेटर होगा, मच से ज्यादा बेटर मोर फ्रूट जूस हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, क्या कहता है 55, राजू हैज हेल्प्ड उषा, कहता है पैसिव बनाने, क्या बनेगा, उषा बनेगा, हैज तो है तो हैज रहेगा, बीन लग जाएगा, हेल्प्ड बाय राजू हो जाएगा, देखिए कहाँ पे है, उषा हैज बीन हेल्प्ड बाय राजू, ए में ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा बच्चों, देखिए ये सब क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड, ये आंसर में बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब मैंने आप लोगों को क्लास में भी करवाए हैं, आप लोगों को लाइव में भी बहुत बार मैंने करवाया है, ये सारे क्वेश्चन जो भी मेरे द्वारा दिए गए सजेशन है, सब क्वेश्चन आपको ए टू जेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, द कॉलेज फाउंडेशन डे वॉज कैंसिल्ड एज एज डैश डैश पॉलिटिकल वर्कर्स ट्राई टू फोर्सिबली इंटर द कैंपस, एज क्या हो जाएगा आपको, सम, एज सम पॉलिटिकल वर्कर्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सम ए। फिर कहता है रंजन वॉज accused of है, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है, आपको भी पता, बताया है मैंने, बहुत बार करवाया है क्लास में, accused के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम डैश वर वेयरिंग क्या है, सिमिलियर कलर आउटफिट, कहता है ब्राइड और ब्राइड ग्रूम जो है, यानी कि दुल्हा और दुल्हन, ये दोनों एक साथ आने वाले शब्द हैं, इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉज, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, जैसे ब्रेड एंड बटर कहते हैं उसी प्रकार आपको ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम आता है, वॉज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, द बिल्डर फिनिश्ड द वर्क इन वन वीक, अब इसको क्या कहता है, चूज द नेगेटिव, अब यहाँ पे देखो फिनिश्ड लगा हुआ, फिनिश्ड का मतलब हो गया कि आपको सिंपल पास्ट है तो डिड नॉट इसका चाहिए, डिड नॉट कहाँ, द बिल्डर Did not finished, अब यहाँ पे finished नहीं, did not के साथ V1 लगता है, इसका आंसर आपको C हो जाएगा, the builder did not finish the work in one week, इसका आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, रोहन said to him go away, यहाँ पे ऑर्डर दिया, रोहन ordered him, इसका देखिए रोहन ordered him to go away, रोहन orders नहीं होगा, will not order नहीं, इसका आंसर B सही होगा, 60 का आंसर B एकदम परफेक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ तक आपको ग्रामर का सेक्शन खत्म हुआ, अब यहाँ से शुरू होता है आपके बुक का, जो बुक का आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव बहुतों बार करवाया है और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं करवाया ना ही दिया है, सारा सारा ए टू जेड क्वेश्चन, 100 out of 100 क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए अभी तक में, सब मैंने आपको पढ़ाया है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए। क्वेश्चन नंबर 61, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डैश बाय द गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका होगा सेंसरशिप, आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो फ्रीडम है प्रेस का उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, उस सेंसरशिप जो नियंत्रण है प्रेस पे उस पे उसको हटाने का प्रयास है, ठीक है, इसका आंसर सेंसरशिप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, फियरलेस बक वाज इनवाइटेड फॉर डैश, ये इसका आंसर हो जाएगा लंच, सॉरी लंच हो जाएगा, यहाँ पे लंचियन लिखा हुआ है, लंच होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको लंच, ये स्पेलिंग गलती है यहाँ पे आगे, इसका आंसर हो जाएगा आपको लंच, क्या हो जाएगा लंच। क्वेश्चन नंबर 63, वाज इट डैश दैट आई डेयर नॉट किल हिम, वाज इट डैश, फिर कहता है वाज इट
परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोवर्डाइस। ये कब कहता है? कब कब का बात कर रहा है? जब वो सांप को देखता है और कहता है कि क्या ये कोवर्डाइस, ये मेरा कायरपन है कि मैं उसे मार नहीं पा रहा, मारता नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोवर्डाइस डी हो जाएगा। ऑटम इज कंस्पायरिंग विद द सन हो जाएगा। किसके साथ वो कंस्पायर करता है? षड्यंत्र रचता है ऑटम सन के साथ रचता है। इसका आंसर सन हो जाएगा। 65 में देखिए, 65 में द पॉइंट टॉक्स अबाउट द डेथ इन फायरहेम। फायरहेम में वो किसके बारे में बात करता है? टावर ऑफ साइलेंस के बारे में, टावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करता है। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब हो गया कब्रिस्तान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, यहाँ तक कि आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपको ए टू जेड क्वेश्चन दिए गए हैं। He sways his head from side to side with movement like a snake is from, ये McVitie the mystery cat, किसका है ये? McVitie the mystery cat से लिया गया sentence है, याद रखिएगा बच्चों। The narrator in my grandmother's house received, क्या उसको received मिलता है, यानी क्या मिलता है उसे, मतलब grandmother house में जो narrator है, जो कवि है, कवित्री है, उसको क्या मिलता है अपनी दादी माँ की यहाँ? प्रेम मिलता है। क्या मिलता है? लव मिलता है। क्या मिलता है? लव मिलता है। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर ट्रफ। अब ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है? जो मेरे जाने से पहले, वहां से पहले पानी पी रहा था। कौन पी रहा था? तो सांप पी रहा था, और सांप किसमें है? स्नेक वाला में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, लीडर में जो है बेसिक क्वालिटी क्या होना चाहिए? तो वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, यानी सेल्फलेसनेस होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या कहता है? बेंजीज फादर वाज अ डेस, बेंजी के पिता क्या थे? तो वो एक शुरुआत में वो फार्मर थे, बाद में वो जाकर क्या बने? प्रीचर बने थे। शुरुआत में वो फार्मर थे। क्वेश्चन नंबर 71, डेस डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या हो जाएगा? जो नस्लीय भेदभाव है वाज डिसअप्रूव्ड बाय द मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा उसे मान्यता नहीं दिया गया था, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या था? डेस वाज फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, तो आपको याद होगा कि बर्ट्रैंड रसल जो है वो फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, यानी मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, द वर्ड रेनेसेंस मीन्स, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण। इसका मतलब पुनर्जागरण मतलब क्या? फिर से जन्म लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिबर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिबर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इन द एंशियंट टाइम लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ अ डेथ लैंग्वेज, तो लैटिन जो है एंशियंट टाइम में जो है वो क्या है? रीजनल लैंग्वेज हुआ करता था, या फिर नेटिव लैंग्वेज होता था, रीजनल लैंग्वेज होता था, नॉन नेटिव होता था, या वर्ल्ड लैंग्वेज। तो लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज तो नहीं था, वो नॉन नेटिव लैंग्वेज था। कौन सा लैंग्वेज था? नॉन नेटिव लैंग्वेज था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 75 में कहता है, इंग्लिश इज यूज्ड एज अ, नहीं देखिए क्वेश्चन में ही गलती है, यहाँ पे यूज एज द होना चाहिए था, क्वेश्चन ही गलती है। सेकेंड लैंग्वेज बाय द इंडियन, वो हम लोग उसको सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं, यहाँ पे द होना चाहिए। क्वेश्चन ही गलती लिखता है, पता नहीं क्यों लिखता है, कौन क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि आपको पता है ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग किया जाता है, मैंने पढ़ाया भी है। कहता है, हु रोट एमा एंड प्राइड एंड प्रेजुडिसेस, कौन लिखा है? तो ये जेन ऑस्टन ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जेन ऑस्टन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज एंडेड इन द ईयर, ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी कराया है कि 1066 ईस्वी में, यानी 1066 ईस्वी में जो है क्या कहते हैं ओल्ड इंग्लिश का अंत हो चुका था, उसके बाद मिड इंग्लिश आता है। फिर कहता है, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन अ कॉलोनी ऑफ अ डेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 79, McVitie सीम्स टू बी हाफ असली बट इन एक्चुअली ही इज वाइड अवेक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाइड अवेक, यानी कि वो जगा ही रहता है, वो सोया नहीं, लगता है कि वो बहुत गहरी नींद में है लेकिन वो सोया नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ये तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस, सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? एंड द एंजल विल नॉट कम, ये आपको लिया गया है, नॉट द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि एंजल भी, यानी मतलब भगवान का दूत भी बचाने नहीं आएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा।
द पोएट इन द सोल्जर इज इन लव विद हिज, जो सोल्जर पोएट में जो मतलब सोल्जर का जो पोएम है उसमें पोएट किससे प्रेम करता है, तो वो अपने देश से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? देश से प्रेम करता है। 83, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेट्रिकल, हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेट्रिकल वर्स। ये पहला ही आप लोगों को जॉन डॉन का जो पहला लाइन है चैप्टर का, पहला ही लाइन उसका जब इंट्रोडक्शन पढ़िएगा तो उसका पहला लाइन ही दे दिया है आपको उठा के। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, दौ वॉचेज द लास्ट ओजिंग बाय आवर्स आवर्स बाय आवर्स, यानी कि एक एक बूंद का कतरा कतरा दिखता है, तो वो कौन, ओड टू ऑटम का है। किसका है? ओड टू ऑटम का है। ये साइडर प्रेस पर जब एप्पल को एप्पल का जूस निकाल कर उससे शराब बनाया जाता है तो वहां पे वो बूंद बूंद दिखता है। इसका आंसर हो जाएगा ओड टू ऑटम। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ ओनली दिस ऑफ मी इज फ्रॉम, कहता है यदि मैं मर जाऊं तो केवल मेरे बारे में सोचना, तो ये कौन कहता है? ये कहता है आपको द सोल्जर में कहता है। क्या कहता है? द सोल्जर, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, I despised myself and the voice of my accursed human education is from, अब ये कहता है human education के बारे में, क्या है वो, snake है, क्या ode to autumn है, an epitaph या my grandmother's house है। इसका आंसर हो जाएगा आपको snake, क्या हो जाएगा, snake हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको snake से लिया गया ये line है। Question number 87, I harbor for good or bad, I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, ये है song of myself का। तो सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ किसने लिखा? वॉल्ट विटमैन ने लिखा। इसका आंसर हो जाएगा सी, वॉल्ट विटमैन। फिर कहता है 88 में देखिएगा, वी सॉ इंबर्स लॉजिंग देयर क्रूवल रेडनेस, अब ये क्रूवल रेडनेस जो है इंबर्स आग की लपटें जो है कहां से ली गई थी, ये लिया गया आपको क्या कहते हैं फायर हेम से लिया गया, फायर हेम का फायर हेम है हाँ, तो यही है इसका आंसर हो जाएगा फायर हेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब भाषण देते हैं, जब वो राष्ट्रपति का शपथ ले रहे होते हैं, क्या हो जाएगा, टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। क्वेश्चन नंबर 90, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ डैश क्लास कैरियर्स, अब कौन से, उसके पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन वो सेकेंड क्लास कैरियर्स में खड़े थे, कहाँ पे थे, सेकेंड क्लास कैरियर्स पे। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, द नेग्रो वर होपफुल दैट वन डे दे वुड क्या गेट देयर राइट्स, डिवाइड द नेशन, किल द वाइट पीपल, किल द देमसेल्फ। इसका आंसर हो जाएगा गेट देयर राइट्स, क्या हो जाएगा, एक दिन उसे अपना अधिकार जरूर मिलेगा, इस बात का आशा था उन्हें। क्वेश्चन नंबर 92 क्या आता है, डैश हैज टॉट अस टू बी फ्रेंडली, तो कौन सी सिखाता है, सिविलाइजेशन सिखाता है हमें फ्रेंडली रहने के लिए, दूसरे के प्रति भी मित्रता भाव रखने के लिए। 93 कहता है, डैश अ डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व सम रिचुअल्स एंड कस्टम्स, तो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेग्नेंट वुमेन ही हो सकती है ना, जिसे बहुत सारे रीति रिवाजों को फॉलो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 94, डैश लव टू पॉलिश द गार्ड, अब गार्ड का पॉलिश कौन करता था, सेबी करता था, कौन करता था, सेबी करता था, गार्ड मतलब कद्दू को पॉलिश कौन मारता था, सेबी मारता था। क्वेश्चन नंबर 95, द रेडनेस ऑफ द डैश, तो फायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, फायर, फायर का ही लाल नुमा जो है अपीयर्स क्रूवेल टू द पोएट, वो पोएट के लिए क्रूवेल है यानी क्रूरतापूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 96, हाउएवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, हु विल रिमेंबर दिस लेडी, याद करो, तो एन एपिथेप का है, किसका है, एन एपिथेप से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डैश, सिविलाइजेशन किस में क्या कहते हैं हेल्प करता है, किसके डेवलपमेंट में, क्या वो स्पिरिचुअलिज्म में, क्या नॉन लिविंग थिंग में, या एनिमल एंड बर्ड में, या सेंस ऑफ ड्यूटी में, तो सिविलाइजेशन आपको सेंस ऑफ ड्यूटी में डेवलपमेंट करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा बच्चों, कहता है विच नेशन हैज बीन कैंसर कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, तो आपको पता है ये भारत इज माई होम से लिया गया है, वो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हुए क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसा बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ, तो नानू काका कहाँ है, नानू काका, तो नानू काका जो है टुक अ मतलब पिंच ऑफ स्नफ लेते हैं। फिर कहता है हु रोट अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल एंटोन पी चेकोव लिखते हैं, यानी कि मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। यहाँ तक 100 क्वेश्चन आपके हो गए, 99 का
बताना था ना क्वेश्चन नंबर 29 में, एक बार मैं चेक कर लूं, आप लोगों को मैंने बताया नहीं था उसका आंसर। यहाँ देखिए 29 का आंसर हो जाएगा आपको हम्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको हम्बल। याद रखिएगा 29 का जो आंसर है वो हम्बल हो जाएगा। पूरा 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए गए और साथ ही मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा। एक मिनट रुकिए। सारा क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन नहीं है इसमें। अच्छा कोई नहीं, चलिए यहां देखिए सब्जेक्टिव में आप लोगों को मैंने एप्लीकेशन और लेटर बताया था। यहाँ एप्लीकेशन आप लोगों को अपने फ्रेंड पर था, ये मैंने आप लोगों को बताया था। साथ ही लेटर है ये, एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रिंसिपल साफ साफ लिखा हुआ प्रिंसिपल, और मैंने प्रिंसिपल ही बताया है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर जिसको हम लोग कहते हैं उस पर मैंने बताया था। और बताया था कि जब मान लीजिए वो मेडिकल लीव के लिए आपको, या फिर कह सकते हैं कि बीमार पड़ गए हैं, उस पर 2 दिन का छुट्टी के लिए आपको बताया था मैंने। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको दे दिया है, बस यहाँ पे आपको दे दिया फ्लू से आप सफरिंग कर रहे हैं, वहां पे आपको फ्लू ही लिखना है, सफरिंग फ्रॉम फ्लू हो जाता है, बस इतना ही आपको चेंज करना था, बाद बाकी जो मैंने बताया वही आपको आता है आया। उसके बाद इस ये 10 क्वेश्चन में से आपको देखिए, ये आपको सी नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद नटालिया जिसका हर डॉग लीप, ये क्वेश्चन, हाउ डज द बिलेव्ड शूटर्स लव आई डू नॉट गो वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, ये क्वेश्चन, हाउ डज सोल्जर डाइंग इन द बैटलफील्ड, ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ से, और एक और क्वेश्चन इसमें व्हाट हैपेंड इन ऑटम, ये 5 क्वेश्चन पूरा के पूरे मैंने करवाए हैं, पूरा का पूरा आपके नोट्स में मैंने डलवाए हैं, पूरा नोट्स में आपको ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। साथ ही समरी तो आप लोगों को मैंने सजेस्ट कर ही दिया था क्या क्या आएगा, उसमें से आपको दिख रहा है कि मैक्विटी आ गया है, एनएपिथेप आ गया, एनएपिथेप आ गया, चाइल्ड इज बोर्न आ गया, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड आ गया, ये मैंने आपको बता दिया था। साथ ही ये तो आपको आपको सभी टीचर ये बताए होंगे कि इसको मैच करना है, और मैं भी आपको बता दिया हूँ। फिर कहता है इसको मैच करना है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या करना है, और इसको कैसे बना, इसका भी आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। जो यदि क्या कहते हैं ये पैसेज बनाए होंगे तो उसका आंसर मैं बता रहा हूँ। देखिए पैसेज बनाना कैसे है, क्या कहता है, व्हाई डू वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम ईटिंग वेजिटेबल्स देन दैट, तो क्या कहता है, व्हाई डू वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम ईटिंग वेजिटेबल्स, द सन एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट लॉजेज इट इज स्ट्रेंथ बाय द ग्रोइंग प्लांट, व्हेन वी ईट प्लांट्स वी ईट मोर ऑफ द सन एनर्जी देन वी ईट animals, that's why it is good to eat fruits and vegetables. देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से, when we eat plants we get more of the sun's energy than when we eat animals, that's why it is good to eat fruits and vegetables. इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक, when से लेकर vegetables तक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, how does the sun lose its energy, चलिए पढ़ते हैं आगे, when animal eats plant the plant energy is less strong, the animal also used its energy to find the plant to eat, when a second animal eats the first animal it gets even less energy than the first animal got, the second animal used a lot of energy to chase its prey, like a car that has to be filled with gasoline, living things have to eat again and again, instead of gasoline living things use food as fuel. ab dekhiye isme aapko yahan pe saaf saaf likha nahi hai, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, द सन्स एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट लॉजेज अ लॉट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ बाय द टाइम इट गोज इनटू अ प्लांट, इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, इट लॉजेज इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बाय द टाइम इट गोज इनटू अ प्लांट, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, इट से लेकर प्लांट तक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सी नंबर क्या कहता है, व्हाई डज द सेकंड एनिमल गेट लेस एनर्जी देन द फर्स्ट एनिमल, सेकंड एनिमल को जो है वो कम एनर्जी क्यों मिलता है फर्स्ट एनिमल के मुकाबले, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपको, व्हेन अ सेकंड एनिमल ईट्स द फर्स्ट एनिमल इट गेट्स इवन लेस एनर्जी देन द फर्स्ट एनिमल गॉट, द सेकंड एनिमल यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी टू चेज इट्स प्रे। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है द सेकंड एनिमल यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी टू चेज इट्स प्रे, इसी कारण से उसको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इसका आंसर वहां से वहां तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी क्या आता है? Why do living things need it again and again? तो इसको इसका आंसर आप बिना देखे भी दे सकते हैं। लिविंग थिंग को खाना क्यों जरूरी होता है? टू गेट एनर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग नीड टू ईट अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ टू गेट एनर्जी। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। इसका आंसर इसमें दिया हुआ है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप आंसर कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो आप लोगों को यहाँ पे यदि आप लोगों ने बनाया होंगे तो चार में चार आपको आसानी से आएंगे। ये सब मैंने आप लोगों को करवाया है। तो आज के लिए यहीं पे आप लोग क्लास को रोक रहे हैं। तो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को अच्छा से बन गया होगा, अच्छा से आप लोगों ने 100 में कितना मार्क आया आप लोग सही करिए। आप लोग बताइए कितना मार्क आ रहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक कृष्णकांत कह रहा है 19 का ए होगा, मैं भी देखूं क्या है क्वेश्चन। कॉल्ड अपॉन ए, 19 का ए ही मैंने बताया है, सही तो है। अच्छा आंसर कर रहे थे आप क्या? चलिए ठीक है, कितना आया रजिया फिरदोस आप बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए क्लास को रोक रहे हैं हम लोग क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।